सभी भाइयों को नमस्कार, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल सनसनीवाल डेयरी फार्म पर। आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल और स्पेशल डेयरी फार्म से और स्पेशल बुल का लेके आ रहे हैं। जो आज की डेट में अगर बात करें तो पूरे अपने जो नॉर्थ इंडिया है, चाहे वो गुजरात भी इसमें ऐड हम करेंगे, सारी जगह मोस्ट फेवरेट बुल है। कोहिनूर का वीडियो लेके आ रहे हैं, लक्ष्मी डेयरी फार्म से ये वीडियो लेके आ रहे हैं। चकवैरों के जो है गांव है, जिला जलालाबाद के नज़दीक पड़ता है और ज़िला पड़ेगा फाजिल का। तो देखिए जी, सामने कोहिनूर है। लगभग जितने भाई वीडियो देख रहे हैं वो कोहिनूर को जानते हैं, पहचानते हैं। और आज काफ़ी दिनों के बाद शेरबाज अंकल जी से बात करेंगे, जिन्होंने मैं कहूँगा मेलों में एक पारदर्शी तरीके से दूध तोलना लोगों को सिखाया। जब भी कोई गपलाबाजी होती थी तो अंकल ने पूरा डट के उस बात का विरोध किया और लोगों को मजबूर किया कि आप पारदर्शी तरीके से ही दूध तोलें। और जब लोग 22, 23, 24 किलो दूध पे भैंसे अटक जाती थी, एक मुक्तसर के मेले में 25 के बीच में 2-3 भैंसों ने दूध रिकॉर्ड करवाया और एकदम से क्रेज जो है वो पूरी इंडिया में आया इतने दूध का। तो अंकल जी से ही बात करेंगे। सत श्री अकाल अंकल जी। सनसनीवाल साहब, आपका वेलकम है लक्ष्मी डेयरी फिर आने का, बहुत धन्यवाद आपका। तो अंकल जी कैसी है सेहत? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल भगवान की कृपा है। हाँ, वाहेगुरु की कृपा है, ठीक ठाक है। तो कोहिनूर, जैसा कि मैंने कहा, लोगों का मोस्ट फेवरेट बुल है, क्या कहना चाहेंगे कोहिनूर के बारे में? कोहिनूर बहुत अच्छा है जी, इसका देखो बाप भी बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, और उसकी चोटियों ने भी अच्छा दूध दिया, बहुत ज्यादा ब्यूटी आई। राजा इसके, हाँ राजा इसकी माँ है जो, इसकी माँ का भी तनों का सबको पता है कैसी है। एक अलग किस्म की, जो मैं कह दूं भी पूरी दुनिया में और देश में, इसकी बॉडी जो घोड़े की जैसी है, इतनी एज में भी, इतने व्यांत में भी, जो है कि बुढ़ापा नहीं दिखाती और जवानी में दिखती है। और वो चीज आगे कोहिनूर में आ गई अपने माँ वाली, ये भी मतलब छोटों वाला, बुल्लों वाला और अपने माझा में माली कह देते हैं, छोटे को उनको समझ नहीं आती है, जो माझे के हमारे भाई हैं। और ये जो माली है कोहिनूर, ये इसका शरीर भी घोड़े की तरह है, छोटे वाला शरीर नहीं है। और आगे इसकी एक और खासियत, भगवान की कृपा से और सारे लोगों के लिए जो अच्छा हो रहा है, इसके बच्चे भी उसी तरह घोड़े जैसे आ रहे हैं। बॉडी का जो स्ट्रक्चर है भैंस और छोटे वाला बच्चों का नहीं आ रहा है, घोड़े जैसा आ रहा है, जैसे घोड़ा नीचे से बिल्कुल ऊपर से बराबर और नीचे से कोई पेट नहीं, कोई कुछ नहीं है, लंबाई ज्यादा आ रही है। वो एक बहुत अच्छा संकेत है कि माँ के ऊपर ये है और इसके ऊपर इसके बच्चे आ रहे हैं। डोमिनेंट बुल है, अपने जो माँ के गुण है वो आगे बच्चों में लेके, आगे बच्चों में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार बुल दिखा देता हूँ। देखिए जी, लंबाई के मामले में बेजोड़ है। और जितने भी आपको हमारे पास भी जो है कोहिनूर के 2-3 बच्चे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट कोहिनूर के आ रहे हैं, चाहे वो दूध तोलने की बात करें। गर्दन देखिए काफ़ी लंबी और काफ़ी पीछे अटके, जो है पूरे बुल को जो है कवर करना पड़ेगा वीडियो में। ये देखिए बहुत ही शानदार बुल है, बहुत ही बढ़िया पैरों का मजबूत, लंबाई के मामले में मेरी ख्याल से जो है इस बुल से लंबा शायद ही आपको बुल मिलेगा। पीठ बिल्कुल खड़ी हूबहू माँ के जैसी और बहुत ही शानदार। चमड़ी जो है बिल्कुल पतली, ज़्यादा पशुधन है, केयर भी मैं कहूँगा इतनी एक्स्ट्रा केयर नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल डाइट पे ही बुल को रखा जाता है। जो सीमन का जो काम करते हैं वो एक्स्ट्रा फैट वगैरह भी जो है बुल पे नहीं बनने देते। अंकल जी, अगर दूध की बात करें तो आप दन्नों के जो रिकॉर्ड हैं उनको भी बता दीजिए, जो भाई नए जुड़े हैं उनको पता चल जाएगा। दन्नों का रिकॉर्ड तो बहुत है जी, पहले तो CIRB में 26 किलो से ऊपर दिया था। जो लाडो का और तन्नों का कंपटीशन हुआ था, वहाँ उसने दूध दिया था। उसके बाद फिर वो बफेलो कांग्रेस में भी उसका कंपटीशन हुआ था। फिर अपना हरियाणा का जो मेला था मुरा एसोसिएशन का, सिंगवा खास में भी दूध में फर्स्ट आई थी मेरे ख्याल से, उस 2-3 महीने में वो 2-3 जगह जीत गई थी। हाँ जी हाँ जी, 3 कंपटीशन उसी टाइम ही उसने लड़े थे। उसके बाद फिर पहले 2015 में PDFA में जगराओं में नया रिकॉर्ड बनाया। फिर अभी जाके जो पिछले साल गई है, 2021 था मेरे ख्याल, 21 में हुआ है, 21 में भी 27 किलो दूध देके और उसकी फैट भी देखी तो 9 आई थी, जो एक नया कीर्तिमान, इतनी उम्र में बच्चा ना होने के बावजूद भी और भैंस ने बहुत अच्छा दूध दिया और लंबे समय दूध देती है। और कई लोग मिसगाइड करने के लिए बोल देते हैं कि ज्यादा
कई बार ग्रुपों में बात कभी कभी मैं सुनता हूँ, ज्यादा ग्रुपों को मैं देखता नहीं। कई लोग कह देते हैं कि दूध तो वो होना चाहिए जो लंबा देती है, ठीक है मैं मानता हूँ, पर ये बात एक किसान को भ्रम में डालने वाली है। जो पशु, ये देखना चाहिए कितने पशु हैं जो ज्यादा दूध देने वाले हैं। ज्यादा दूध देने वाला पशु लंबा दूध नहीं देगा, तो क्या कम दूध देने वाला लंबा टाइम दूध देगा? ये सारे जो ग्रुपों में चलती है मिसगाइड, वो तो गिने नहीं करना चाहिए। 2000 आदमी है उस टॉपिक पे, आप बात ना करें तो नहीं, नहीं बात करने के लिए किसान मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि किसानों को इतनी जानकारी, इतना ज्ञान नहीं होता है। और मैं उन भाइयों को बताना चाहता हूँ, कोई हो सकती है 1% को पशु ऐसा हो जो दूध देने का पशु हो, वो लंबा टाइम ही दूध देगा। ये सब अफवाहें हैं, ज्यादा दूध वाली देती ही लंबे टाइम। इसके बारे में सुरेंद्र भाई मैं बता देना चाहता हूँ, आज दल्लो भैंस को ब्याह हुए 1 साल हो गया पूरा, मतलब आज 5 तारीख होगी, 2-3 को ब्याह थी अक्टूबर को, और आज भी दोनों टाइम दूध देती है। प्रदीप भाई के पास भैंस है, कोई भी जाए तो सुबह शाम, ये नहीं अभी एक टाइम पे पड़ी हुई, दोनों टाइम पे आज भी मिलती है। ठीक है, ठीक है। और उसका हमने एक साइलेंट आईडी पे रिकॉर्ड भी करके रख रखा 2 टाइम का। ठीक है, ठीक है। कल को कोई बोले तो डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एक दूसरी बात जो आपने बोली थी वो मैं दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ, चलो मैं कभी की भी नहीं है, आज आपने बोला अभी दूध के, जब दूध का कंपटीशन होया करता बड़ा दुख होया करता उस टाइम, भी उसमें गड़बड़ होया करती सरकारी मेले में, बहुत चंडीगढ़ के चक्कर लगाए डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री के, कभी बाल्टियों को नंबर लगा ले, एक बार गोल्ड टैग लगाया था जो तनो के भी है, उसमें चिप भी थी, 12वीं नंबर था, कभी भैंस के ऊपर नंबर लगवाने, फिर उस काम में बड़ी मुश्किल सफलता मिली। खुद हमें 2016 के मेले में अपना लगभग 90-100 आदमी ले जाके यहाँ से एक एक भैंस के ऊपर बंदा लगा के, फिर उस 2 बार भैंस खाली हुई थी, और हमारे ऊपर ये टैग भी लगते रहे कि ये लड़ाई करते हैं, ये झगड़ा करते हैं, और सारे लोगों को पता नहीं थे हमारी बदनामी भी होती रही, पर वो किस लिए होता था? वो इसलिए हम करते थे, दूध किसी की भैंस भी दे दे, आज भी मेरी सोच है सारे किसानों के पास, काफी किसान है हमारे जो मतलब ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छे बुल हैं फील्ड में, काफी लोगों के पास अच्छी भैंस है, पर मतलब ये नहीं है कि जो पशु है मेला किस लिए है? पारदर्शिता होनी चाहिए उसमें, किसी भी किसान का पशु दूध दे दे वो पारदर्शिता होनी चाहिए। अब जब गड़बड़ हो जाएगी, भैंस बदली जाएगी, दूध में पानी डल जाएगा, किसानों को पता नहीं चलेगा भी किस, ये कौन सी भैंस है, किसका अच्छा दूध है, किसका कम दूध है, तो फिर उस वो प्रोजनी में हम नस्ल में सुधार कैसे कर पाएंगे? भैंसों के साथ इंसाफ होना चाहिए। हाँ, बस वो चीज गलाबाजी करके ऊपर नीचे ना हो। बहुत ज्यादा मेरे को मेहनत करनी पड़ी और भगवान ने कृपा करी 2016 में कामयाबी मिली, सारा कुछ करके देख लिया 2016 में, खुद उसकी निगरानी की, उसके बाद सरकारी मेला भी ठीक लगभग चल रहा है, रिंग में हमारा पशु हो ना हो हम जाते हैं, इस चीज की निगरानी हम करते रहेंगे। आज भी मैं किसान भाइयों को कहता हूँ, खास करके पंजाब वालों को, एक मीटिंग हमें रखनी चाहिए, बहुत से मुद्दे हैं, सरकार अपनी है, जो अपने सरदार लाल जी सिंह पुल्डर पशुपालन और ट्रांसपोर्ट मंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं, यंग हैं, खुद किसान हैं, पशुपालक हैं, किसान परिवार से हैं, और अपनी बहुत मांगे हैं। एक मीटिंग करना चाहता हूँ मैं सबके साथ करके, ता जो कहते हैं एक कहावत है कि बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है, चाहे सरकार अपनी है, फिर भी अपना उनसे जो मांगना, जो अपनी डिमांडे हैं, सारा देश और सारा पंजाब अपनी तरफ देख रहा है, जो कुछ लोग ब्रीड पे काम कर रहे हैं उनकी तरफ, चलो ब्रीड के लिए नस्ल पे तो सब हम सुधार कर रहे हैं, अच्छे सीमन दे रहे हैं, नस्ल सुधार कर रहे हैं, पर और बहुत से मुद्दे हैं जो बैठ के विचार के सरकार के साथ, चाहे सरकार अपनी है उनके पास जाके अपने को बोलना पड़ेगा, और सारी मीटिंग करके तो अपनी मांगे सरकार से मनवाएं प्यार से और हाथ जोड़ के, और कुछ मतलब इकट्ठ दिखाना पड़े तो इकट्ठ दिखा के भी अपनी मांगे मनवानी पड़ेंगी, वो बहुत पशुपालकों के लिए अति जरूरी है। ये मेरी बेनती है, फालतू की बातें ग्रुपों में करने के बजाय इस चीज के ऊपर फोकस किया जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। एक मीटिंग सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, ग्रुपों में मैं ऑडियो डालूंगा और आपके माध्यम से भी, एक मीटिंग करके उसका सलूशन हम निकालें, आगे जहाँ को पशुपालकों के लिए और अच्छे काम, हम जो मुश्किलें हैं उनके लिए काम कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए काफ़ी सारी मेहनत अंकल जी ने जैसा कहा कि करनी पड़ी है इनको मेले में एक पारदर्शी तरीके से दूध तुलवाने के लिए। बबल भाई से भी मैं आपको मिलवाता हूँ और उनसे भी कुछ बातें पूछेंगे। बबल भाई कैसे हैं? बढ़िया जी, आप बताओ। और आपका पहली बात तो स्वागत है यहाँ पे आने के लिए, और बधाई भी है जो आपने नया सीमर बैंक लगाया, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है और बहुत अच्छे बुल इकट्ठे करे हैं, और ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव स्पिरिट है। मान लो जैसे बोलते हैं भाई, जोटा जोटे से खोर रखता है तो जोटे वाला भी जोटे वाला से खोर रखने लगता है। आपके पास भी बहुत जोटे हैं, अपने पास भी बहुत जोटे हैं, और ये अच्छी बात है कि
आप इकट्ठे होके फिर भी आपकी बड़प्पन है, मैं ये बोलूं। बबल भाई बात ऐसे है, अच्छी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। बहुत फील्ड में डुप्लीकेट सीमन चल रहा है, दो नंबर का काम होता है। हाँ जी, अपने को अच्छी चीज किसानों तक लेके जानी चाहिए, वो किसी की भी हो चाहे। क्यों? बिल्कुल जी बिल्कुल। और एक बात और पूछना चाहूंगा, जैसे कि आपने लगभग कितनी कटड़ियों का दूध तुलवा दिया है? अभी तक इसकी दो ही कटड़ियों का दूध तुला है, लेकिन इस बुल का हमारे पास और भी बुल है। इस बुल का एनवायरमेंट ऐसे था कि दूध तुले के बिना ही पहले ही एडवांस में लोगों को एक विश्वास सा हो गया था, कुछ करेगा कुछ करेगा। दो ही कटड़ियों का दूध तुला और आगे लाइन में है, तीन चार कटड़ियां हैं और आगे आती रहेंगी। तो प्रोजेनी टेस्टेड कब बोलना शुरू करेंगे इसको? देखो जी, कई अपने भाई हैं जिन्होंने शर्म का जग्गा उठा रखा, एक भी कट्टी का दूध नहीं तोलिया, जहाँ एक आधी का कहीं तोल दिया तो प्रोजेनी टेस्टेड लिखने लग गए, और ये बातें गलत हैं। मैं इसको कोशिश करूंगा प्रोजेनी टेस्टेड कभी ना बोलूं, लोग बताएंगे प्रोजेनी टेस्टेड है कि नहीं। पर मैं बता देना चाहता हूं, इसकी एक चोटी ने 17.5 किलो दो दान ने, एक ने 18.5 किलो दूध तोलिया, दो तोलिया, और कोई ना कोई चोटी कम दूध की भी आ सकती है, नेचर है, कुदरत है। लेकिन इसकी 99% कटियाँ जो पॉजिटिव आ रही हैं अब तक मेरी नज़र में है। और जो ये प्रोजेनी टेस्टेड वाली बात है, मैं तो यही बोलूंगा भी लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। लोग डिसाइड करेंगे कि हाँ मेरे पास कोई नूर की कट्टी ने अच्छा दूध दिया, कोई बोलेगा मेरे पास कम दिया, फिर लोग करेंगे भी ये बुल पास है कि फेल। कोई भी बुल हो, उसकी 70 कट्टियां 100 में से पास हो जाती है तो वो बुल 100% पास है, ये लोगों ने डिसाइड करना है। बिल्कुल, हाँ जी, लोग खुद आवाज बोलेंगे, घर घर से आवाज आएगी कि ये बुल जो है प्रोजेनी टेस्टेड है। एक बात और छोटी सी, हाँ जी एक बात और छोटी सी मैं ऐड करना चाहूंगा, जब हर किसान के घर से, हर पशुपालक के घर से ये आवाज आएगी कि देखो जी इस बुल की कोहिनूर की कटड़ी ने हमारे घर अच्छा दूध दिया, और ग्रोथ भी जो है, अगर दूध की ग्रोथ की बात करें, 20 किलो दूध वाली भैंस से अच्छी कटड़ी पैदा होने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। 12 किलो से 15 किलो, 15 से 20 किलो, 20 से 25 किलो पे जो बुल लेके जाएगा पशुपालकों को, वही ज्यादा फायदेमंद रहेगा। क्यों क्यों भाई जी? ना बिल्कुल, ये चीज जरूरी है जी। भी मान लो अच्छी भैंस की तो अच्छी कटड़ी आने के चांसेस ज्यादा है। हाँ हाँ, ठीक है जी। जो आम भैंसें हैं 5-7 किलो वाली पंजाब में भैंसे हैं जी। हाँ हाँ, और उन भैंसों से जब ये मान लो आप ये मानते हैं, आपके पास भी बहुत अच्छे बुल हैं, हमारे पास भी बहुत अच्छे बुल हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऐसे खाम खा रिकॉर्ड लिखने के बजाय आपने भी बुल लिए हैं जो रिकॉर्डेड भैंसों के हैं, अच्छी भैंसों के हैं, अपने पास भी अच्छे रिकॉर्डेड भैंसों के हैं। और सबसे जरूरी चीज यही है भी जो रिकॉर्डेड भैंसों के बच्चों के जो रिजल्ट हैं वो आने ही आने हैं, आने ही आने हैं। ठीक है जी, चाहे कोई आज मैं बोल दूं कि सुरेंद्र के पास मान लो नेगेटिव की कोई भी बात बोल दूं, ऐसे इसके पास अच्छे बुल नहीं है फलान दिंगट, लेकिन जो अच्छी भैंसों के बच्चे हैं वो रिजल्ट देंगे ये 1000% तय। वो कहीं भी खड़े हों चाहे 100 में से, ठीक है कोई 2-4 बुल मान लो 10 में से 2-4 बुल पूरा परा हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अच्छी भैंसों के एक तो होता है रिकॉर्ड कागज पे लिख के कुछ भी भेज दिया, एक होता है रिकॉर्डेड भैंसे जिन्होंने मेलों में टंके बजाए हैं। बिल्कुल, वो रिजल्ट देंगे, लोगों को इसी चीज पे फोकस करना चाहिए, कागजी रिकॉर्डों पे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, तो देखिए जी कोहिनूर को हम देख रहे हैं अंकल जी, काफी मैं कहूंगा इज्जत के साथ, हरियाणा पंजाब चाहे पूरा राजस्थान है, गुजरात है, सब जगह जानते हैं। एक छोटी सी बात अंकल जी से और मैं पूछना चाहूंगा, हरियाणा की बात करें तो मुर्रा में बढ़िया काम किया हरियाणा वालों ने, और उसका सबसे मेन कारण जो है मैं वो मानता हूँ, कोई नहीं बंद, कुछ आ गया होगा बीच में, तो सबसे मेन कारण हरियाणा को आगे ले जाने का मैं मानता हूँ, जो पंचायती बुल जब भैंसों पे छोड़े जाते थे तो ओरिजिनल जो है उसी बुल का ब्लड जो है आगे जाता था, और जब से सीमन का काम चला है और इसमें डुप्लीकेसी आई है तो कुछ ना कुछ अच्छी भैंसे मिलनी कम हो गई हैं। अंकल इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले ना जी बहुत अच्छी भैंस मिला करती। हाँ हाँ, और वो फील्ड में ये मैं कैमरे के ऊपर कहना नहीं चाहता, जो बुल परचेज होया करते जाया करते क्या था क्या नहीं था, मैं बहुत पुराने टाइम का मेरा तजर्बा है, पंचायती बुलों की काफी बड़ी देन, पंचायती बुल तो बहुत अच्छे रखे जाते हैं। हाँ हाँ, वो आसपास के बहुत दूर के एरिए तक जो पंचायते हैं, जो बुजुर्ग हैं हमारे देश के, वो पंचायती बुल रखते हैं, अच्छी भैंस का करड़ा रखते हैं। हाँ हाँ, वो तो ज्यादा बेस्ट और बेटर तरीका है। हाँ हाँ, और सीमन तो चलिया, और सीमन आज भी जो डुप्लीकेट बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ हाँ, लोग कोई कहता है HLDB सीमन देती है, कोई कहता है नहीं देती है। हाँ हाँ, पर जो है सारा सस्पेंस है। हाँ, बात यह है कि लोगों को सारी जांच करके सारी चीज देख के जो सीमन आगे से आगे ले आके उसमें से कमाने वाले लोग हैं,
उनसे चौकस रहना चाहिए। और पंचायती बुल हरियाणा के बहुत बढ़िया है, हरियाणा को मुर्रा की खान भी सच क्या है, और हरियाणा का जो किसान है वो इसीलिए पंजाब के पास पानी है, हरा चारा है, पानी और हरा चारा होने ना होने के बावजूद भी जो किसान आत्महत्याएं हैं वो कम कर रहे हैं, वो उसका कारण उनके परिवार का पालन पोषण सारी चीजें अच्छे पशुओं का है। अच्छे पशु और अभी पंजाब में भी हमने भी हरियाणा से सीखा है, हरियाणा के भाइयों से, आज भी पंजाब से ज्यादा हरियाणा के लोग हमें ज्यादा जानते हैं। मैं तो ये कहता हूँ जो छोटा बच्चा है अपने माँ बाप रिश्तेदारों को जानता है वो लक्ष्मी डेयरी को और हमें भी जानता है। बिल्कुल, कोई ऐसा गाँव नहीं है काफी ज्यादा, और सुरेंद्र जी को भी जानते हैं, बथेरे जो नामी आदमी है ब्रीड नस्ल सुधार में अपना योगदान पा रहे हैं, उनका सबका नाम है। और अच्छी बात है, अच्छे बुलों का देख के और ओरिजिनल सीमन लगवाएं, उसकी जांच पड़ताल करके, ऐसे किसी के बहकावे में आके, बातों में आके ये सीमन वगैरह ना लगवाएं तो अच्छा रहेगा अपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए जी, काफी लगभग 15-16 मिनट का वीडियो हो चुका है, एक दो मिनट मैं और लूंगा बीच में। जो भाई जुड़े हैं उनके लिए बताना चाहूंगा, कोहिनूर जैसे हजारों बुलों की हमें जरूरत है। कई सारे भाई जो है एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, या ये भी बोलेंगे कि भाई आपस में हमारा कोई कंपटीशन वाली तो कभी ना पहले बात रही ना आगे कभी होगी। हजारों बुलों की जरूरत है हमें, कोहिनूर जैसे बुलों की, जो अच्छे बच्चे फील्ड में पैदा करें। अवेयरनेस आनी चाहिए पशुपालकों में, और अच्छे बुल का चुनाव करना चाहिए, सोच समझ के अच्छे बुल का चुनाव करें, और अच्छी जगह से सीमन खरीदें, अच्छे डॉक्टरों से खरीदें। एक AI वर्करों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, 100-200 रुपये में ज़्यादा ले लो आप, 100-200 रुपये में कोई किसान ऐसा नहीं है कि वो लूट जाएगा, लेकिन उसको रिक्वेस्ट है कि अच्छा बीज लगाओ, ओरिजिनल बीज लगाओ। AI वर्करों को तो पता ही होता है जी ये असली है कि ये नकली है। जैसे हमने ना जी ओरिजिनल सीमन के लिए एक लिस्ट बना रखी है, हाँ हाँ, जिसको चाहिए हम लिस्ट डाल देते हैं। हाँ हाँ। मैं एक बात बता देता हूँ, बता देना चाहता हूँ, जो डॉक्टर है, हाँ हाँ, अच्छा काम करने वाले हजारों है, हाँ हाँ, और हजारों ही गंदा काम करने वाले भी हो गए। हाँ हाँ। मैं अच्छे अच्छे से बुल जैसे आपने किए हैं, हमारे हैं, नॉर्मल रेट पे जा रहे हैं, सिर्फ मैं मानता हूँ 3-4 रुपए के अपने प्रॉफिट के लिए रेट के फर्क में नकली खरीद रहे हैं। सिर्फ 3-4 फर्क, 3-4 रुपए का फर्क पड़ता है इनको खरीदने में पीछे। बिल्कुल, अच्छी चीज और बुरी चीज। बिल्कुल, पर ये सोचते हैं बस वो काम जो कर रहे हैं, अच्छा काम करने वाले हजारों हैं जिनकी मैं मिसालें दे सकता हूँ, मैं कई हजारों बंदों को जानता हूँ डॉक्टर को, पर गलत काम करने वालों को थोड़ा सोचना चाहिए। आगे अगले से 100 ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पर चीज सही दो, नहीं तो ये थोड़े दिनों में सिलेंडर टंग जाएंगे। किसान तो उत्साहित हो जाता है जब उसके घर पे दूध बच्चा दूध नहीं देता, तो क्यों ठीक। आप भी बोलना चाहेंगे अंकल इसके बारे में कुछ? बस बहुत हो गई, ज्यादा लंबी हो जाएगी, डुप्लीकेट सीमन से बचो। और डॉक्टरों को रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसा किसान नहीं है जिसने आगे उसके घर कट्टा आनी या कट्टी आना है, वो तो भगवान की देन है, और कट्टा आया तो कट्टी भी जरूर आएगी, और मेल और फीमेल पैदा होते रहने हैं, और 20-50 रुपए के चक्कर में कोई ऐसा किसान नहीं है। डॉक्टर AI वर्कर किसान को गाइड करेगा कि ये 50 का सीमन है, ये 100 का है, ये 150 का है, ये 70 का है, इसका रिकॉर्ड ये है। थोड़ा AI वर्कर और डॉक्टरों की ये ड्यूटी बनती है, किसान खुद डिमांड करते हैं सीमन की, और डॉक्टर जो ये चीज बताने लग जाए तब बहुत जल्दी और बहुत अच्छा सुधार होगा। वो डॉक्टरों को भी लोग खुशी खुशी पैसे देंगे, ऐसी बात नहीं है। जब पशु अच्छे आ जाएंगे, किसानों के पल्ले कुछ पड़ेगा, और पशुओं अच्छे पशुओं की कीमत भी अच्छी है, दूध भी अच्छा देते हैं, किसानों को बचेगा तो डॉक्टरों को भी खुद अपने आप ही उनका काम बढ़ेगा। और अगर पशुपालक जिंदा रहेगा तो AI वर्कर भी जिंदा रहेगा, और अपने जैसे बुल वाले भी जिंदा रहेंगे, और अच्छा एक पॉजिटिव जो है मार्केट में माहौल बनेगा। दूध के रेट की बात करें तो वो भी काफी सारा एक बड़ा पॉइंट है, लेकिन सबसे पहले हमारे पास नस्ल अच्छी होनी चाहिए। अगर वो दूध देगी तभी हम दूध के रेट की बात कर सकते हैं। सुरेंद्र जी, बात और मैं कह देता हूँ आपको, आपने दूध के रेट की बात करी है, जब पशु अपने पास अच्छे हो जाएंगे, पशुओं को लोग कहते हैं कि संभालते नहीं है, खास करके पंजाब में काफी बातें चलती हैं, संभालने वाले भी बहुत हैं, ना संभालने वाले भी। जब नस्ल खराब होगी तो नस्ल ठीक हो जाएगी, जिस चीज में फायदा प्रॉफिट दिखेगा, तो खुद आदमी अपने परिवार की तरह बच्चों की तरह पशुओं को पालेंगे, ये सारी चीजें हो जाएगी। नस्ल सुधार होने की जरूरत है, और दूध के रेट सारी चीजें हम कर लेंगे, वो ये एक नॉर्मल बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये रेट बढ़ाने करने हमारे पास पशु अच्छे आ जाएं, साम संभाल उसकी कीमती पशु आ जाएं, हमें फायदा देने लग जाएं, दूध के रेट तो बढ़ जाएंगे। ये ऐसा काम चलेगा नहीं ज्यादा देर, डुप्लीकेट दूध भी बहुत चल रहा है, वो भी बंद हो जाएगा, हम करवा लेंगे।
हम जब मिलके चलेंगे तो सारे काम ये हो जाएंगे। पहले नस्ल सुधार के ऊपर जरूरी है, नस्ल अच्छी पैदा हो जाए, पशु अच्छे हो जाएंगे। अच्छा पशु होना चाहिए। 10 किलो वाले आजकल फीड के, ड्राई फोडर के रेट बहुत है, 10 किलो दूध वाले से बचत नहीं आनी, 15 के पार हमें जाना पड़ेगा। क्यों 15 से 20, 20 से 25 किलो पे जाएंगे तो कोहिनूर को आप देख कर पा रहे हैं, लक्ष्मी डेयरी फार्म का एक बड़ा योगदान पूरे देश में अगर बात करें मुर्रा के काम पे नस्ल सुधार के लिए, तो सीमन कोहिनूर का अवेलेबल है। एक कॉन्टैक्ट नंबर भी लक्ष्मी डेयरी फार्म का उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो आप सीमन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। अच्छे बुलों का चुनाव करें, बार बार मैं एक ही बात बोलता हूँ, कोहिनूर जैसे हजारों बुलों की हमें ज़रूरत होगी तब जाके जो है नस्ल सुधार होगा, क्योंकि एक बुल पूरे साल में 20,000-30,000 मैक्सिमम, कोई बहुत अच्छा बुल है वो 40,000 सीमन ही दे सकता है, लेकिन मार्केट में क्या पता कोहिनूर के नाम से ही जो है बहुत सारे लोग बहुत सारे बुलों के आ चुके हैं, बहुत सारे बुलों के उनकी कटड़ियां भी दूध पे आने लगी होंगी। हाँ, जिस दिन से कोहिनूर चालू उस दिन के आ रहे हैं, लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हमने जो नंबर दिया उस पे लिस्ट लिख के मैसेज करोगे तो आपको लिस्ट मिलेगी, आपके एरिया पे 5-5, 10-10 डॉक्टर होंगे, बिल्कुल संपर्क कर सकते हो। तो आप संपर्क करें जी और पॉजिटिव माहौल रखें, अच्छे बुलों का चुनाव करें, नस्ल सुधार करें। लक्ष्मी डेयरी फार्म का फिर मैं दोबारा से कहूंगा बहुत बड़ा योगदान नस्ल सुधार में रहने वाला है, फ्यूचर में भी पीछे भी दूध तुलवा रही हैं कटड़ियां, तो अच्छे बुलों का ही चुनाव करके आप सीमन रखवाएं। नमस्कार दोस्तों।